कहते हैं कि औलाद बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे में लाठी का सहारा होते हैं, पर आजकल की कुछ औलादें ऐसी भी होती हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को मरने के लिए बीच रास्ते में छोड़ देती हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला पठानकोट के बोहा हल्का में चल रहे आदर्श ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम में। यहाँ कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे विदेशों में रहते हैं और कई सेना से रिटायर्ड हैं, पर यह बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे, जिन्हें अगर वृद्ध आश्रम का सहारा ना मिलता तो शायद आज यह लोग सड़कों पर भीख मांग रहे होते। तो हुण तक तकरीबन 15 बुजुर्ग एहो जी है जिहड़े अपने परिवारां दे विच जा के रह रहे। अज दे टीचर साडे कोल 14 बुजुर्ग रह रहे हैं। ते जिहड़े बुजुर्ग हैगे है इहनां वास्ते सारा कुछ फ्री है, रोटी फ्री है, बिस्तरियां वास्ते फ्री है, अलमारियां। उहनां वास्ते मैसेज इहो ही है कि समें दी तब्दीली दे नाल इन्हां बुजुर्गां नूं चेंज होना चाहीदा सीगा, पर इह लोक जिहड़े अपने ट्रेडिशनल गल्लां इन्होंने नहीं छड़ियां, जिस करके इन्होंने पुत इन्होंने धीआं इन्हां दीआं पत्नियां इन्हां नूं अपने घर दे विच रख के राजी नहीं है। मैं दूजे पासे अज दे जिहड़े यूथ हैगे उन्हां नूं भी इक मैसेज देवांगा कि बच्चिओ समें दे नाल समां तां बदल गया पर तुहाडे माँ बाप नहीं बदले, तो उन्होंने वास्ते थोड़ा बहुत तुसी बदल के उन्होंने एहो जी एडजस्टमेंट करो कि बुजुर्ग जिहड़े। एंस्टा न्यूज़ के लिए पठानकोट से पुष्पलता की रिपोर्ट।